हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ा था। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी थी उसमें ऐसा था कि अगर पॉजिटिव जो यूनिट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और एंड कहाँ पे होता है उसका? नेगेटिव जो फील्ड लाइंस, मतलब नेगेटिव जो चार्जेस होता है वहां पे। क्लियर? आज हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का यूज करके ही नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। याद रखो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो सिंबल है वो क्या है? फाई। क्या है? फाई। तो अपने यहाँ पे क्या लिया है, तो पहले डायग्राम फर्स्ट समझते हैं, जो फिगर फर्स्ट है वो सबसे फर्स्ट समझते हैं, और थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकली भी बताऊंगा। ठीक है? देखो, प्रैक्टिकली कुछ ऐसा है कि कोई भी हमने यहाँ पे कोई प्लेन लिया है, समझ में आ रहा है? अभी यहाँ पे जो मेरी फिंगर्स है उसको आप अज्यूम कर लो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन से, मतलब ऐसे पैरेलल या तो नॉर्मल टू द प्लेन ऐसे मतलब पास हो रही है। क्लियर? तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस व्हिच इज पासिंग थ्रू दिस प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, तो वो क्या बताती है? तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है इस प्लेन में से, उसकी स्ट्रेंथ बताती है हमें। क्लियर? तो यहाँ पे से ये प्लेन है, ठीक है, इसमें से हमने क्या किया, तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इसमें से हम पास करते हैं। देखिए, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस हो गई, तो प्लेन में से नॉर्मल पास हुई, मतलब यहाँ पे जो एंगल बनेगा ना वो कैसा होगा? 90 का एंगल ही ऑलवेज फॉर्म होगा। चलिए, दूसरी लाइन यहाँ से पास हुई, यहाँ से आउट, इन एंड आउट। क्लियर? एक प्लेन और इसमें से नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मल यहाँ से पास होगी। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स वही है कि मैक्सिमम ऐसी नंबर ऑफ फील्ड लाइंस कोई भी प्लेन में से पास कितनी हो सकती है, कितने नंबर पास हो सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी, उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसका सिंबल है फाई। तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पार्ट, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ पार्ट, डेल्टा एस जितना ज्यूम किया। ये क्या है? डेल्टा एस। और ये जो लाइंस है वो क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इसको ई बोल सकते हैं हम। ठीक है? तो यही डायग्राम है, उसको ऐसे भी हम ड्रॉ सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने इस लाइन से ये पूरी पूरी लाइन ड्रॉ की है वो क्या है? प्लेन है, और एक प्लेन में से नॉर्मल, मतलब यहाँ पे 90 एंगल में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? पास हो रही है। आया समझ में? ये फर्स्ट डायग्राम हो गया। अभी जो सेकंड डायग्राम है, फर्स्ट डायग्राम और सेकंड डायग्राम में देखो, ये जो फर्स्ट प्लेन था और ये सेकंड प्लेन, ये दोनों में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है? तो जो प्लेन था सबसे फर्स्ट ऐसे था, क्लियर, और फील्ड लाइन ऐसे पास हो रही थी। अभी मैं क्या कर रहा हूँ? उस प्लेन को ऐसे टिल्ट कर रहा हूँ। क्लियर? मतलब कुछ थीटा एंगल पे इसको यहाँ पे ओरिएंट कर रहा हूँ। तो क्या होगा? तो सेम फील्ड लाइंस मान लो कि ऐसे पास हो रही थी, अभी मैंने इसको टिल्ट कर दिया, तो थोड़ी लाइंस तो क्या ऐसे ही निकल जाएगी, ठीक है, और थोड़ी लाइन इस प्लेन में से पास होगी। मतलब पहले जितनी स्ट्रेंथ थी उतनी स्ट्रेंथ शायद नहीं मिल सके आपको। क्लियर? तो सेकंड यहाँ पे ड्रॉ करते हैं फिर से अगेन। क्लियर? ए निकल जाती है यहां से बाहर, ए इन हो गई, फिर यहाँ पे आउट। बट अभी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और जो फर्स्ट डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस थी उसमें स्ट्रेंथ में दोनों में बहुत ही डिफरेंस है। तो फर्स्ट डायग्राम हमने ऐसे ही रखा था, ठीक है, उसमें प्लेन ऐसे रखा था, और सेकंड डायग्राम में थोड़ा टिल्ट कर दिया, दैट मींस ओरिएंट कर दिया। तो एक्चुअल डायग्राम कैसे बनेगा? तो देखो, ये जो पूरा प्लेन है वो प्लेन को आप ऐसे मान लो, थोड़ा टिल्ट कर दिया ऐसे, यहाँ पे कैसे था, ऐसे वर्टिकल पोजीशन पे था, और यहाँ पे थोड़ा ऐसे टिल्ट हो गया। जैसे टिल्ट हो गया तो ये नंबर ऑफ जो फील्ड लाइन जो पास हो रही है, बट अगर ये टिल्ट हो गया है तो क्या होगा? उसका जो एरिया होगा वो, पहले देखो यहाँ पे था इस तरह से, क्लियर, अभी जो एरिया वेक्टर है वो क्या हो जाएगा? थोड़ा ऐसे टिल्ट हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि याद रखो, कोई भी प्लेन होता है, ठीक है, कोई भी एक प्लेन होता है, तो यहाँ पे उसका जो वेक्टर होता है ऐसे होता है, परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन होता है। क्लियर? जैसे आप इसको टिल्ट करते जाओगे तो उसके साथ में ही वेक्टर क्या होता जाएगा? ओरियंट होता जाएगा। तो यहाँ पे हम ओरिएंटेशन दे रहे प्लेन को, तो उसके साथ वेक्टर टिल्ट होगा कि नहीं? ठीक है, तो जैसे ही हमने इस तरह से उसको प्लेन को ऐसे रख दिया, तो एरिया वेक्टर भी कैसे बनेगा? ऐसे ही बनेगा ना, पहले ऐसे था, आया समझ में? या तो मान लो ऐसे था तो ऐसे था, देखो यहाँ पे से, आया समझ में?
तो जैसे ही आपने इसको ओरिएंट किया, जैसे ओरिएंट किया तो इसके साथ भी उसका जो एरिया वेक्टर था वो भी क्या हो गया, उसके साथ टिल्ट हो गया। और एक्चुअल जो फील्ड लाइंस थी, तो एक्चुअल फील्ड लाइंस के साथ क्या होगा, तो जो एक्चुअल फील्ड लाइन उसको तो हम क्या बोलते हैं, ई बोलते हैं, उसके साथ ये डेल्टा एस का यहाँ पे कोई एंगल फॉर्म हुआ, उस एंगल को हमने क्या नाम दिया है, थीटा नाम दिया है, समझ में। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे भी सेम वही है, यहाँ पे कोई प्लेन है और प्लेन में से यहाँ पे एक छोटा हमने डेल्टा एस मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ एरिया वेक्टर अज्यूम किया है, वहां पे एन एन कैप क्या है, तो एन कैप को हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर बोलते हैं, यूनिट वेक्टर है, ये डेल्टा एस की डायरेक्शन शो करता है। तो अल्टीमेट इस डायग्राम का कंक्लूजन क्या हुआ, तो कोई भी फ्लक्स को अगर आप डिफाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, तो दो क्वांटिटीज इसमें मेजर हो सकती है, कौन कौन सी क्वांटिटी, तो एक तो ई हो गया और दूसरा हो गया डेल्टा एस, तो दोनों के बीच में हमने यहां पे रखा है डॉट वेक्टर, है समझ में, यहां पे डॉट डॉट रखा है, डॉट प्रोडक्ट जैसे बोलते हैं, तो ई इंटू डेल्टा एस, अभी 11th का फॉर्मूला याद करो, तो ई इंटू डेल्टा एस है, तो ई डेल्टा एस, इसके साथ हम क्या लिखते थे, कॉस थीटा, क्या लिखते थे, कॉस थीटा, है समझ में। तो ये जो फॉर्मूला है उसको आप आगे बढ़ा सकते हो, इसको तीन केस में डिवाइड कर दो, केस नंबर फर्स्ट, इफ थीटा एंगल इज जीरो, अगर थीटा एंगल जीरो है, मतलब कौन सी पोजीशन, ए वाली पोजीशन हो गई ना, क्योंकि इसमें देखो कोई थीटा ही नहीं है, जो वेक्टर है उसके साथ ही लाइन जा रही है, आ रहा समझ में, जैसे मेरी जो लाइंस थी उसके साथ ही उसका एरिया वेक्टर है, क्योंकि तो दोनों के बीच में कोई भी एंगल फॉर्म नहीं हो रहा, दैट मीन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो कॉस जीरो क्या होता है, तो डेल्टा फाई ई डेल्टा एस cos 0, cos 0 1 होता है, that means यहाँ पे आपको flux क्या मिलेगा, maximum flux मिलेगा, कौन सा formula बनेगा, E delta S बनेगा formula, clear, चलो next one, case number 2, case number 2 में क्या लिखेंगे, तो theta is equal to 90, theta अगर 90 तो क्या होगा, तो अगेन डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई डेल्टा एस कॉस 90, कॉस 90 होता है जीरो, दैट मीन फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। तो इसका मीनिंग ये हुआ, अगर लाइंस ऐसी है, लाइंस ऐसे जा रही है और उसका जो एरिया वेक्टर है वो ऐसा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हुआ, 90 का एंगल फॉर्म हुआ कि नहीं, 90 का एंगल फॉर्म हुआ, दैट मीन फ्लक्स क्या हो गया, जीरो हो गया। केस नंबर 3, अगर थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री लेते हैं तो क्या होगा, तो डेल्टा फाई ई डेल्टा एस कॉस 180, अगर कॉस 180 है तो कॉस 180 की वैल्यू मतलब कॉस फाई कितना होता है, माइनस 1 होता है, तो फ्लक्स हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे माइनस के फॉर्म में मिलेगा, मतलब यहाँ पे मिनिमम मिलेगा, यहाँ पे जीरो मिलेगा और यहाँ पे मैक्सिमम मिलेगा। तो तीन केस आप अज्यूम कर सकते हो, और याद रखो डेल्टा फाई है, ठीक है, उसमें अगर उसका यूनिट सॉरी ऐसा यूनिट हमें निकालना हो तो कैसे निकाल सकते हैं, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ई इनटू डेल्टा एस, अभी याद करो इसका फॉर्मूला, मैंने इसका ऐसा यूनिट क्या बताया था आपको, तो न्यूटन पर कूलम बताया था, तो ये हो गया न्यूटन पर कूलम, आए समझ में, क्योंकि ई इज इक्वल टू क्या था, एफ बाई क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई कूलम, तो ये फोर्स मतलब न्यूटन और ये हो गया चार्ज का कूलम, तो न्यूटन पर कूलम, और ये एरिया वेक्टर, तो एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, अदरवाइज दूसरा यूनिट याद रखो होता है वेबर, क्या होता है वेबर, उसको WB से भी डिनोट किया जाता है, आया समझ में। तो एक एक न्यू क्वांटिटीज आई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है, तो इन शॉर्ट आप याद रखो, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स, the number of electric field lines passing through the any plane of the paper, ठीक है, number of electric field lines passing through the plane of the paper is called its electric flux, आया समझ में, okay, thank you very much.